औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सेक्टर एक थाने में पिछले 8 दिनों पूर्व मिली एक बुजुर्ग की लाश को लेकर शनिवार पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक एक परिवार के पास अपने बुजुर्ग परिजन के अंतिम संस्कार के रूप में नहीं होने से लाश को लावारिस छोड़ने की बात सामने आई है। मामला पीथमपुर के एक थाना अंतर्गत बताया जा रहा है। पुलिस ने खुलासे में थाना प्रभारी संतोष कुमार दूधी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 31 जनवरी 2024 के दिन में लोधी मोहल्ला स्थित नानूराम के मकान के पीछे 68 वर्षीय एक बुजुर्ग की लाश अज्ञात व लावारिस अवस्था में मिली थी। सूचनाकर्ता नानूराम की सूचना पर मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई, जिस पर जांच में पाया गया कि इमरत गौड़ पिता सज्जन सिंह गौड़ निवासी टिमरनी घटना स्थल के पास ही राजेंद्र यादव के मकान में किराए से रहता था। उसके साथ ललिता पति मदनलाल व वृद्ध फूफा मृतक बाबूलाल भी साथ रहते थे। इस परिवार में बाबूलाल नामक शख्स की अचानक मृत्यु हो गई व अंतिम संस्कार के पैसे इमरत और ललिता बाई के पास न होने के चलते इन दोनों ने मृतक का शव नानूराम के मकान के पीछे सुने पड़े बाथरूम में लावारिस छोड़ दिया था। पुलिस द्वारा जांच एवं पोस्टमार्टम में बाबूलाल की मृत्यु सामान्य प्राकृतिक रूप से होना बताया गया है, जिसके बाद पुलिस द्वारा मकान मालिक राजेंद्र यादव द्वारा किराएदार की सूचना थाने पर नहीं देने व इमरत और ललिता बाई के द्वारा बाबूलाल की मृत्यु की सूचना थाने पर नहीं देने के चलते धारा 188 व आईपीसी 176 का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जी सर, एक अज्ञात लाश मिली थी। अभी करीब एक सप्ताह पहले लोधी मोहल्ले में नानूराम के घर के पीछे एक वीरान खंडर नुमा बाथरूम है, उसमें करीब 65 वर्षीय एक पुरुष की डेड बॉडी मिली थी, जो पहले अज्ञात थी, जिसको हमने तलाश किया। जांच के दौरान तो पाया कि बाबूलाल नाम का कोई व्यक्ति है, जो अपने भतीजी के पास किराए से रहता था। मूल रूप से ये इटारसी के रहने वाले हैं। जब जांच की गई तो पाया कि इसकी भतीजी और इसके जो है भतीजा दामाद, ये इसको रखे हुए थे और अचानक इसकी बीमारी के कारण मृत्यु हुई। तो मृत्यु होने पर इनके द्वारा पुलिस को सूचना नहीं दी गई और डेड बॉडी को वीरान स्थल पर लावारिस बताकर रखकर चले गए। इस संबंध में हमने इनके खिलाफ 176 आईपीसी और मकान मालिक राजेंद्र यादव के खिलाफ 188 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।